जय हिंद साथियों, मैं आरपीएफ कांस्टेबल पप्पू कुमार। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ आज, आप लोगों का कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म फिलअप करते समय मैं सारा गलती को दूर करने के लिए ही आज आया हूँ। वैसे अभी काम चल रहा है रेलवे का, थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा, मैं स्टेशन के बगल में हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है वीडियो बनाना। तो पहला सवाल यह है कि अगर फॉर्म आया, फॉर्म तो आएगा ही, आज आए तो कल आए, तो फॉर्म बहुत दिनों बाद आता है, इस चलते आपको गलती ना हो, मैं इसी गलती से बचने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फॉर्म फिलअप करते समय आप अपना मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर हमेशा रखते हैं नंबर, वही दें, और ईमेल आईडी, ये दो चीज़ ऐसा है कि आपको बहुत काम आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। हम आपको प्रूफ भी बताऊंगा और दिखाऊंगा किस प्रकार आपको ये दोनों हेल्प करेगा आगे के लिए। तो ये तो हो गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और दूसरी बात कि जब आप जिस जगह से हैं, जिस स्टेट से हैं, उस स्टेट का अपना वैकेंसी देखकर अपने हिसाब से जोन जो होता है अपना जोन, तो उससे नज़दीकी जोन में ही अप्लाई करने का कोशिश करें। इससे क्या हुआ कि अगर ज्वाइन अगर हो जाते हैं तो उसी जोन में रहिएगा, ताकि आपको घर आने जाने में दिक्कत ना होगा। छुट्टी अगर मिलेगा तो मतलब आपको नज़दीकी रहेगा तो जल्दी पहुँच जाइएगा, मेरा कहने का उद्देश्य ये है। अगर दूर रहिएगा, मान के चले आप यूपी से हैं या तो बिहार से हैं, आपको साउथ में हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। मैं खुद इस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारा साथी हैं जो साउथ का है और इधर रांची में डिवीज़न में है, तो इन लोग का आने जाने में दिक्कत होता है। इसलिए मैं एक गलती को आपको मतलब दोहराने न पड़े, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ बात। तो ये हो गया। तो चलिए, मैं मोबाइल और ईमेल आईडी किस प्रकार महत्वपूर्ण रखता है वो मैं दिखा रहा हूँ। अरे मेरा मेडिकल हुआ था, वो मेरा मोबाइल जीमेल पे आया था, मैं जीमेल डाउनलोड करके रखा है, स्क्रीनशॉट में था वो, ये मेरा जीमेल पे आया था, ठीक ना। मैं चाहूँ तो जीमेल से भी दिखा सकता था, लेकिन अभी मैं इसको स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। ये मेरा मेडिकल सर्टिफिकेट था, देख सकते हैं सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकल, मेडिकली अनफिट फिट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे B1 मेडिकल कैटेगरी, फिट इन B1 मेडिकल कैटेगरी बाय द रेलवे मेडिकल अथॉरिटी। यह है रांची का दक्षिणपुर रेलवे रांची डिवीजन, और ये है ज्वाइन लेटर, ये भी जीमेल पे ही आया था, देख सकते हैं तो देख लीजिए थोड़ा। ये ज्वाइनिंग जब मेरा आया था तो 4 दिसंबर 2019 को, और 15/12/2019 से वलसाड जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग का कॉल लेटर आया था। ये कॉल लेटर ट्रेनिंग का यहाँ पे देख रहा हूँ, कॉल फॉर ट्रेनिंग ऑफ कॉन्स्टेबल। और ट्रेनिंग सेंटर में क्या क्या लेकर जाया जाता है इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा बाद में। और क्या बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आप लोग तक पहुंच सके, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। और क्या बोलता है, बढ़िया लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और जाते जाते मैं एक बात और बता दूं, इसका जो एज रिलैक्सेशन होता है एससी एसटी का और ओबीसी का 3 साल और 5 साल होता है, बाकी जनरल के लिए कांस्टेबल हैं तो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 और एसआई के लिए 20 से 25, उस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।